तो हम कह रहे थे अंकुर जी कि संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी और संत नरसिंह मेहता, इन तीनों की स्थितियां बिल्कुल विपरीत अलग अलग, तीनों महान संत हुए। संत एकनाथ जी की पत्नी बड़ी सुयोग्य, उनसे कोई कहता कि आपकी पत्नी तो बड़ी अच्छी है, तो वो क्या कहते, भगवान ने पत्नी नहीं मुझे सत्संग दिया है, घर में बैठ के सत्संग करता हूं, भगवान की कृपा है। और संत तुकाराम जी की पत्नी इतनी झगड़ालू कि वो उन्हीं को गालियां सुनाने लग जाए, इतनी झगड़ालू थी कि एक बार वो घर में कुछ था नहीं तो तुकाराम जी से कहा कि जाओ कुछ लेकर आओ, बैठे रहते हो बाबाओं में। अब कहीं किसी किसान ने किसी गन्ने दे दिए, वो गन्ने लेके लौट रहे थे शाम को, गांव के बाहर बच्चे मिल गए, उन्होंने कहा बाबा एक गन्ना हमें, बाबा एक गन्ना हमें, तो वो दयालुता के कारण बांट दिए, एक ही गन्ना बचा, बांटते बांटते एक लेके घर आ गए। अब एक गन्ना लेके जब घर आए तो पत्नी ने देखा कि सवेरे के जा करके अब लौट रहे हैं, वो भी एक गन्ना लेकर के, तो उनके हाथ से छीना और उन्हीं में जोर से मारा, इतनी झगड़ालू थी, तीन टुकड़े हो गए गन्ने के, और गन्ने के तीन टुकड़े भए तो ये क्या कह रहे हैं, देवी तुमने मेरा काम कितना आसान कर दिया, अब मैं सोच रहा था गन्ना एक है खाने वाले तीन है, क्या करेंगे, कोई व्यवस्था करता, और तुमने सारी समस्या ही मिटा दी, एक ही झटके में तीन टुकड़े हो गए, अब एक बेटे को दे दो, एक तुम ले लो, एक टुकड़ा मुझे दे दो, तीनों भोग लगा के पाएंगे। कोई कहता कि इतनी झगड़ालू पत्नी है तुम्हें कभी दुख नहीं होता, नाराज नहीं होता, अरे बोले ये तो भगवान की कृपा है। क्या कृपा है, बोले कृपा ये है यदि ज्यादा अच्छी होती हो सकता है मेरा मन इसी में फंसा रहता और भजन नहीं होता, तो इसलिए अच्छा भगवान ने ऐसा व्यवस्था कर दी। अब एक की सुयोग है वो कह रहा है भगवान की कृपा है, और एक की झगड़ालू है वो कह रहे हैं भगवान की कृपा। और नरसिंह जी की कथा ऐसी है कि नरसिंह जी की पत्नी का जब देहांत हुआ, आप महात्माओं में बैठ के कीर्तन कर रहे थे, लोगों ने आगे कहा नरसिंह जी अनर्थ हो गया, नरसिंह जी आपकी पत्नी का देहांत हो गया, आप घर चलिए, और नरसिंह जी तो और जोर जोर से नाचने लगे। लोगों ने कहा क्या हो गया आपको, अरे आपकी पत्नी का देहांत हो गया, ये बोले भलू थयो भांजी जंजाल और सुखी भजू सु श्री गोपाल, बढ़िया हुआ सब जंजाल मिट गया, अब खूब भजन करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी मर जाए तो खुशी मनाओ, इसका मतलब ये है कि भगवान जिस हाल में रखे, सुयोग्य दी है तो भगवान की कृपा, झगड़ालू दी है तो भगवान की कृपा, है तो भगवान की कृपा, और चली गई तो भगवान की कृपा। जो हर बात में भगवान की कृपा मानता है वो ही सच्चा भक्त है, जो हर बात में ये कहे प्रभु तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी, संतान दी है तो तेरी कृपा, और नहीं दी तो भी तेरी कृपा, पर तो तेरी डबल कृपा है।